मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करूंगा, थोड़ा अपडेट देता हूं कोरोना वायरस के बारे में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों ने रिसर्च किया है उस पे आया है, और WHO ने कहा है कि अभी तक बात ये आ रही थी कि जितना ज़्यादा उम्र होगा उनको कोरोना वायरस से ज़्यादा डरनी चाहिए, लेकिन WHO ने कहा है कि जो जवान लोग हैं उसको हल्के में ना लें, क्योंकि इंग्लैंड के 18 साल के युवक को कोरोना वायरस हो गया। वो उनकी तबीयत पहले से भी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो उनकी भी मौत हो गई थी जो पहले से बीमार रहते थे। डॉक्टरों ने कहा है कि 30 से 40 साल के उम्र के लोगों को भी ICU की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे केसों में देखा गया कि इस उम्र के लोग भी बहुत क्रिटिकल हो गए और उनको ICU में रखना पड़ा था। ये बात हमेशा हो रही थी, किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा रिस्क है कोरोना वायरस से। तो ये बात सामने तो ज़रूर आई है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इससे बच के रहना चाहिए। अगर उनको कोरोना वायरस होता है तो क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन जो नया रिसर्च है, लंदन के लोगों ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के ऊपर ये पता चलता है कि जो लोग बुज़ुर्ग जब बीमार होते हैं तो डेफिनेटली उनको ICU की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे लोग जो लोग हैं 50 साल से उम्र के जो लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है, उसमें से सिर्फ 5% लोग ही हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी खुद से ठीक हो जाते हैं। और जिनकी उम्र 60 से 70 साल है और उनको कोरोना वायरस हो जाता है, तो उसमें से तकरीबन 27% लोग ऐसे हैं जिनको ICU की ज़रूरत पड़ती है। और जिनकी उम्र 70 से 80 साल है, उसमें यह देखा गया है तकरीबन 43% लोगों को ICU की जरूरत पड़ती है। चीन और इटली के डेटा पे रिसर्च करने से यह पता चला कि जिनकी उम्र 80 साल थी और 80 साल से ऊपर थी, उसमें से 71% लोगों को ICU की जरूरत पड़ी। तो यह कहना बड़ा सरासर गलत होगा कि सिर्फ उम्र वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं को इससे डरना चाहिए, यंगस्टर को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिनकी उम्र 40 साल थी, उसमें भी 5% लोग को क्रिटिकल हो गए थे जिनको ICU की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर यंगस्टर को आता है, ज्यादा उम्र वाले नहीं है, तो क्रिटिकल नहीं होते। क्रिटिकल होते हैं, उनको भी ICU की जरूरत पड़ती है। तो अभी कोरोना वायरस का जो अपडेट है वर्ल्ड वाइड कितना है वो नंबर बताते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन करें कि इंडिया में क्या पोजीशन है। तो अगर आप कोरोना वायरस का टोटल केस वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो वो है 8,59,770 और टोटल डेथ जो है 42,340। रिकवरी जो हुआ है वो हुआ है 1,78,335। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान का इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो अगर आप हिंदुस्तान का टोटल नंबर आप देखते हैं तो इस वक्त है 1,716 और एक्टिव केस जो है 1,516 और जो रिकवर हुए हैं वो लोग हैं 150 और टोटल जो डेथ हुए हैं वो है 50। तो नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग जो हिंदुस्तान में 10 सिटी हैं जहां पे कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी तक जो केसेस टोटल कंफर्म हुए वो है 325, केरला में जो है 241, तमिलनाडु 124, दिल्ली 121, उत्तर प्रदेश 104, कर्नाटका 101, राजस्थान 93 एंड तेलंगाना 92। अब थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर में जो नंबर ऑफ केसेस है वो है 44, मैसूर 14 और इसी तरह से बाकी स्टेट में नंबर ज्यादा नहीं है। और तीसरे नंबर पर चिकबलापुर है जहां पर 10 है, उत्तर कन्नड़ा में 9 है, दक्षिण कन्नड़ में 7 है, फिर 4, 3, 3 ऐसे नंबर आता है। तो अगर कर्नाटका में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा केस बेंगलोर के अंदर है। तो ये अभी तक का आंकड़ा जो है, दिन के तकरीबन 12 बज रहे, 12 बजे तक का ये आंकड़ा है और फिर आज दिन भर में देखते हैं क्या होता है। सबसे अहम बात वही है कि जितना हम कम एक दूसरे से मिले उसी में भलाई है, क्योंकि ये नंबर जितना हम रोक सकते हैं बढ़ने से उसमें हम सबका भलाई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।